बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक प्रोग्राम को सामने रख के ये आइडिया दे पाऊँ कि अगर आप पूरे केस को ख़ुद करना चाहें जैसे कि आपने कहा भी था तो वो कैसे करेंगे क्योंकि आपको इस बात से ये आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे काम करते हैं या यूँ समझ लीजिए कि एक कंसल्टेंट कैसे काम करता है इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में हंड्रेड परसेंट जरूरत नहीं होती कि कंसल्टेंट जो है वो आपको सर्विसेज देगा तो ही आपका काम होगा आप खुद भी कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी कंप्लीट तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने केस को खुद से संभाल सकते हैं ए टू जी खुद कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए होगी तो वो ऑप्शनल है बट दैट शुड बी अ सेकेंड ऑप्शन नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज ल्फ yourself yourself. तो ये सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए लेकिन वीडियो लंबी क्यों होगी क्योंकि मैं आपको पूरा समझाऊंगा ए टू जी आपने कैसे करना है और आपको ये भी समझ में आएगा कि जब हम कहते हैं कि असेसमेंट टेक टाइम तो असेसमेंट टेक टाइम क्यों लेता है बिकॉज एक आदमी को आप सेपरेट उठाते हैं उसके बाद उसके ऊपर असिसमेंट करते हैं और उसकी एक प्रोग्राम नहीं फिर 80 प्रोग्राम और उसके अंदर जो निकलने वाली ब्रांचेस जो हैं वो आपको टच करनी पड़ती हैं और एक प्रोग्राम को किस तरह देखा जाता है एक, एक, एक इंसान के लिए वो आपको आज की वीडियो से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अब 79 नाइन प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे तो आपने अगर एक सीवी को अस्सी प्रोग्राम से फिल्टर करवाना है तो क्या क्या चीजें कंप्यूटराइज तौर पर आपके सामने वो क्लियर हो सकती हैं ज़ाहिर सी बात है कि असेसमेंट के अंदर सी आर एस पॉइंट देखे जाएंगे उसके अपने बेसिक्स पॉइंट देखे जाएंगे और उस क्राइटेरिया के अंदर कुछ जबानी भी बंदों को याद हो जाता है लेकिन बहरहाल हमारा फर्ज यह है कि हम हर बार सिस्टम में जाएं और उसको देखें जहां तक बात असेसमेंट की है तो आप जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो अब रिसेंटली फ़रवरी में आ जाएगा लेकिन चूंकि नेक्स्ट मंथ फ़रवरी है और मेरा आने का प्रोग्राम है मेरे इल में ये चीज आ चुकी है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है एक बार फिर से वबा अपने उस पर आ रही है और लॉकडाउन तो नहीं हो रहे लेकिन बहुत कुछ बंद हो रहा है तो वो चीज मेरे दिमाग में है इसलिए हमने किसी किस्म की भी रीशेड्यूल नहीं किया है इसको जो री हमारे री हैं उनको नहीं ले सकेंगे या जनरल मुलाकातें नहीं कर पाएंगे बिकॉज मुझे नहीं पता पार्क खुले हुए हैं या आप लोग इनडोर्स खुले हुए हैं मुझे मेरे लगभग नहीं है तो इसलिए उनको मैंने कहा है कि जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं जिन लोगों ने अपनी सीवीज दे दी हैं सिर्फ उन लोगों को प्राइवेटली इंफॉर्म कर दें कि मैं कराची में हूं या मैं लाहौर में हूँ या मैं इस्लामाबाद में हूँ बाकायदा जाके मैं स्क्रीन पर नहीं बोल सकता कि मैं इस टाइम कराची में हूँ तो आप इस लोकेशन के ऊपर आ जाएंगे बिकॉज वहाँ पर जो चीज क्रिएट होगी वो हमारी बिल्डिंग या कोई भी लोकेशन जो है उसको बेयर नहीं कर पाएगी तो उसके लिए हमें एहतियात करना है ताकि हम हम मेरी वजह से ऐसा कोई चीज क्रिएट ना हो कि जो आस पड़ोस के हमारे ऑफिस हैं या जो आपकी लोकेशन होगी या जो होटल्स जहां पर भी हम होंगे वहां पर जो है कोई ऐसी माहौल क्रिएट हो कि वहां पर हमारी वजह से किसी को तकलीफ का बायस बने इसलिए हम कम तरीन लोगों को लेने के लिए अपने रजिस्टर्ड लोगों को ही लेना चाहेंगे और उनसे बात कर लेंगे तो जिन लोगों ने सी दे दी है उन लोगों को आप हमारे ऑफिस को टाइम दें कि वो आपको रजिस्टर्ड कर सकें अब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम की हम किस तरह करते हैं काम या आप देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेके जा रहा हूं आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर ये आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूं सस्केचव प्रोग्राम की सस्केच वन सूबे की बात कर रहा हूं इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर हार्ड टू फिल पायलट प्रोग्राम जिसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि मैं दो वीडियो कर चुका हूं उसके ऊपर पहले आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर चुका हूं लेकिन वो बहुत लोगों ने कहा कि वैसनीक क्लियर हुआ उसके बाद आपने कहा कि जी वो मैंने बताया था कि पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है सिर्फ पाकिस्तान नहीं इंडिया का भी है बांग्लादेश का भी है नेपाल का भी है हर जगह का है लेकिन जो कोविड है वो आड़े आ रहा है अब वो कब गवर्नमेंट इनको अलाउ करती है क्योंकि ये भी फेडरल के नीचे आते हैं सूबा है ये हुकूमत तो नहीं है तो ये हुकूमत है हुकूमत है तो इसको फेडरल की परमिशन चाहिए तो ये भी वो कह रहे हैं कि हमने रश नहीं करना है तो वो चीज जो जो है जो ये मुझे कह रहे हैं मैं अपने ऊपर अप्लाई करके पाकिस्तान का टूर प्लान कर रहा हूं अब उसके अंदर ये है कि आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर आता है ओवरव्यू और रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स यानी कि हार्ड टू फिल मुश्किल से भरने वाले स्किल्ड प्रोग्राम ठीक है ना मैं एक एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि आप लोग अपने आप को ऐसे स्किल में लेकर आए जो हार्ड टू फिल हुआ करें अपने आप को वैसा बना दें ताकि आपको हर सुबह जो है वो आपको लेने में इंटरेस्टेड हो क्योंकि यहां पर हम कहते हैं आसानी से मुझे पहुंचा दें तो आसानी इज नथिंग आपके अंदर वो चीज होगी जो आपको आसानी से लेके जाए मेरे पास ऐसा कुछ भी रखा हुआ नहीं है कि मैं आपको आसानी से भिजवा दूं आपके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको आसानी से वहां पहुंचा दे यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले रिक्वायर डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं ओवरव्यू तो है लेकिन ओवरव्यू में बाद में आ जाता हूं पहले मैं आपको रिक्वायर चले ओवरव्यू से शुरू कर लेते हैं ओवरव्यू से शुरू कर लेते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जोच वन uh, की वेबसाइट है इसमें जो चीजें आ रही हैं हमारे सामने वो कहते हैं एलिजिबिलिटी देख लीजिए हु कैन नॉट अप्लाई थ्रू द हार्ड टू फिल स्किल सब कैटेगरी और हाउ टू अप्लाई है व्हाट यू नीड टू नो अबाउट यूजिंग इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव और अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है यहां पर तो हम स्टेप बाय स्टेप जल्दी से देख लेते हैं इसको वो ये है कि एलिजिबिलिटी को सामने आ रही है एलिजिबिलिटी के अंदर आप एलिजिबल हैं नहीं है वो आपको ये कोड्स नॉक कोड्स हैं आप चाहे उसको खुद स्क्रीन पे खोल लें चाहे आप स्क्रीन रोक करके देख लें यहां पर नाइन से लेकर आपको ये ले जाते हैं सीधा वन तक जो शिपर्स एंड रिसीवर्स का है डिस्पैचर्स का है इसके बाद होम सपोर्ट वर्कर है फूड एंड बेवरेजेस है होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क है जो होटल के ऊपर बैठे काउंटर पर बैठते हैं लड़के वो है लड़कियां भी होती हैं यहां पर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मतलब फीमेल्स के लिए कोई जॉब्स हैं ये फीमेल और मेल का लफ्स पाकिस्तान में चलता है बाहर सभी काम करते हैं और सारा काम करते हैं मतलब अगर आप बाजार में जाएंगे तो शॉप के ऊपर मेल भी होगा तो फीमेल भी होगा तो उसमें कोई इम्तियाज नहीं है इसमें कोई आप उसको अलग नहीं कर सकते जैसे आप आपके मुल्क में के एफ सी है मैकडोनल्ड है पीजा हर्ट है तो वहां पर क्या होता है कि मैनेजर औरत भी हो सकती है मर्द भी हो सकता है वेटर औरत भी हो सकती है मर्द भी हो सकता है इसको आप वेटर्स कहते हैं लेकिन वहां पर चीज ही खत्म हो गई है वहां पर हर जगह पर कुछ भी हो सकता है ट्रक भी चलाती हैं औरतें वहां पर मतलब आपके आपके दिमाग में क्या है पाकिस्तान में कि ट्रक जो है वो मर चलाते हैं तो आप उसको उसको भी खत्म कर दीजिए तो अगर ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर है सेवन फाइव वन वन तो कुड भी अब मेनो नो नो, नो इशूज औरतें वहां पर बराबर हैं जर्नल फॉर्म वर्कर है एट फोर थ्री वन अपने नॉक कोडो को भी मिसत कीजिएगा कभी भी अपनी को गलत मत अनाड़ी के साथ काम करवाते हैं देखिए बात यह है आप किसी से भी काम करवाएं या खुद करें एक बात का ख्याल रखें अगर आप खुद कर रहे हैं तो एहतियात करें मैं यही कह सकता हूं क्योंकि आप रजिस्टर्ड तो नहीं है ना लाइसेंस तो नहीं है एहतियात करें लेकिन अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो देखिए कि वो बंदा है कौन यानी कि वो आपसे जनरली बात कर रहा है अपनी तजर्बे की बुनियाद बात कर रहा है मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है वो जनरली बात कर रहा हूँ कि यार मेरे फूफी का बेटा गया था तो मैं भी आपको भेज देता हूं ऐसा तो कोई भी नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो नहीं कम अज कम उसका जो बैकग्राउंड है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है उसका कुछ आ, मामला क्या है ये तमाम चीजें जो है आगे पीछे से खुद वेरीफाई कर लिया करें डायरेक्ट कंपनी को पूछे आप कंपनी को फोन हमारे ऑफिस में कोई फोन करके बोलता है कि आप लोग कैसे लोग हो तो ये तो नहीं हो सकता है कि आपको बोले कि जी हम बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं दोनों का मतलब कुछ भी नहीं है तो आप लोगों ने करना क्या होता है कि आपने खुद इन्वेस्टिगेशन करनी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि यू आर आस्किंग फ्रॉम समवेयर एल्स और यू आर और यू आर चेकिंग बाय बाय ऑनलाइन सिस्टम्स कि यार इन लोगों के ऊपर कोई कंप्लेंट्स है नहीं है ये लोग बैठे हुए हैं तो इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है सब मतलब आप समझ रहे हैं बात को क्योंकि ऐसा नहीं आप हर एक को पासपोर्ट भी नहीं पकड़ा सकते पाकिस्तान के अंदर कानून है ना तो अगर पासपोर्ट पकड़ा रहे हो तो सामना सामने वाला इस इस बात के लिए एलिजिबल है तो यह आपने खुद देखना होता है ओके अब यहां पर फिर वी कैन कैन नॉट नॉट हु अप्लाई तो यहां पर आपको बता दिया गया है कि जी अगर कोई रेफ्यूजी क्लेम आ, क्लेम करके बैठा हुआ है ठीक है ना नहीं करना चाहिए रेफ्यूजी क्लेम मैं तो पहले ही कहता हूं क्योंकि रेफ्यूजी अगर आपको नहीं मिलता तो भी जलालत है तो अगर मिल जाता है तो बड़ी जलालत है आप लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपने कैसी बात कर दी मैं लोगों को रोक रहा होता हूं जब लोगों का मैं मूड देखता हूं कि वो रेफ्यूजी पे जा रहा है बात ये है कि अगर मिल गया तो आप रहे वहां पर कोई मसला नहीं लेकिन अगर आपको रेफ्यूज अगर आपको मिल जाता है तो आप यू कैन नॉट कम टू पाकिस्तान क्योंकि आपने उसी को तो गाली दे के उसी को तो बुरा कह के वहां तो अनसिक्योरिटी बता के तो आप गए हैं वहां पर तो आपको वापस वो हक उलमकान नहीं छोड़ते अब वो आप अपनी अगर आप कहते हैं मैंने झूठ कहा था तो आपकी नेशनलिटी गई या आपका पासपोर्ट गया अच्छा आगे चाहिए हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई में आपको पूरा गया यहां पर आप आएंगे अप्लाई ऑनलाइन टू एस आई एन पी यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन अप्लाई एस आई एन पी आप क्लिक करेंगे फॉर्म फॉर्म है बहुत लंबे लंबे फिर आप वहां जाकर तमाम चीजें क्रिएट एन अकाउंट यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट अगेन कंप्लीट ऑल सेंशन आपको कंप्लीट करना है स्कैन एंड अपलोड योर कंप्लीट फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन पी डी एफ कीप दरिजिनल्स ठीक है तमाम के तमाम आपने

धमकाता है कि अगर आप हमसे काम नहीं करवाएंगे तो काम नहीं होगा तो यहां पर पहला सेंटेंस खाली मैं पढ़ूंगा यू डू नॉट नीड टू यूज एन इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव और कंसल्टेंट टू अप्लाई द एस आई एन पी यानी कि वो कहता है कि आपने जुर। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी बंदे को हायर करो आप अपना काम अगर कर सकते हो तो करो ठीक है ना जैसे हम कहते हैं ना अगर आप खुद कर सकते हो तो करो तो वो भी आपको यही कह रहा है तो फिर कहते हैं अगर आप कर आपको किसी को हायर करना है तो उसकी तमाम की तमाम मामला आपने खुद चेक करने हैं कि उसका पीछे को रिकॉर्ड भी है या ठीक भी है कि नहीं तो वो आपने खुद चेक करना है इसके बाद अदर फॉर्म ऑन इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आप अगर आपको पढ़ना हो तो वो आप पढ़ सकते हैं यहां पर उसकी जरूरत नहीं है अब हम आ जाते हैं इसके अगले हिस्से के ऊपर जहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ये आप देख सकते हैं कि जी आपको जो देने हैं यू और आइडेंटिटी वर्क एक्सपीरियंस एकेडमिक क्रेडिशेंशियल है आपकी लैंग्वेज एबिलिटी है फ्रेंच के अंदर आपकी लैंग्वेज एबिलिटी इन इंग्लिश मतलब आप जानते हो कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपके बैंड्स क्या आए हैं ये आपको दिखाने हैं और ये तमाम चीजें जो हैं ये मिला के स्कोर बनाती हैं जर्नल गाइडलाइन क्या है जी ये आपके सामने आ रही है अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अ कॉपी ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपको करना है और अ कॉपी ऑफ एन एफिडेविट फ्रॉम ट्रांसलेटर डिस्क्राइबिंग देयर ट्रांसलेशन एबिलिटी ठीक है जी ये आप कर लें उसके बाद अबाउट ट्रांसलेटर्स हैं यहां पर आप देख लीजिएगा ये आपका पूरा इमिग्रेशन रेफ्यूजी सर्टिफिकेट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एज रिक्वायर्ड बाय उसके बाद फैमिली हैं है स्पाउस है हु वर्क फॉर यू और इज प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन ठीक है ना जो मतलब आप अगर अगेन बात हो जा रही है आप खुद कर रहे हो और समी हेल्पिंग यू ठीक है किसी भी कैपेसिटी के अंदर अगर वो अपनी हेल्प कर रहा है तो तो आप उसका मामला यहां पर दिखा सकते हैं इसके बाद रिक्वायर फॉर्म है तो ये रहे आपके तमाम के तमाम फॉर्म्स यानी कि कुछ चीज छुपाई है आपसे कोई ऐसी चीज जो आप कहेंगे आप हे हाइट कर रहे हैं बता नहीं रहे तो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने एस आई एन पी खोल कर रख दिया है ठीक है ना हो सकता है आपके सामने बहुत बड़ा कंसल्टेंट जो अपने कहता होगा बहुत बड़ा कंसल्टेंट यानी कि कह, कहता होगा कि आप मुझे किंग भी मान सकते हैं तो वो भी आपको इस तरीके से यहां ले जाके तो नहीं दिखाएगा वो बोलेगा जी ये तो हमारी टीम करती है ठीक है यहां पर भी हमारी टीम करती है मगर आपके इल्म में होना चाहिए कि जब आप किसी के पास जाएं तो यू शुड बी अ एजुकेटेड पर्सन ये बात दिमाग में रखिएगा अगर आप उस काम के लिए एजुकेटेड नहीं है तो मार पड़ती है और मार कैसे पड़ती है आपको पता है कुछ जो आपको आदमी कह रहा है यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जब डॉक्यूमेंट कोई भेजता है ठीक है ना आप आज अप्लाई करते हैं सेकेंड डेब जॉब ऑफर आ जाती है अब मामला यह है कि जॉब ऑफर कहां से आ गई ठीक है और फिर आपको कहते हैं कि जाओ चेक कराओ आपको चेक कराने के बारे में भी नहीं पता होता आपको यह भी नहीं पता कि मैंने जब जॉब ऑफर हाथ में पकड़ी है तो मैं कहां जाऊं कोई आपको सुनने को तैयार नहीं होता और घूम घुमा के काम कई बार हमारे पास फोन आता है कि मेरे पास मुझे अमजद भाई ने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ मतलब मेरा कोई ऐसा को मैंने फलोदी नाम ले लिया मुझे पीटर ने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं तो ये अगर आप चेक करा के दे दें तो बात ये है कि पीटर या जेम्स का या फला का मसला नहीं है वो डॉक्यूमेंट हम कौन होते हैं चेक करने वाले हम कौन होते हैं सो तो गलत कहने वाले सही कहने वाले हम ना तो देने वाले ना हम आपको भेजने वाले ना हम आपको आपके वीजा आप अथॉरिटी हैं तो हम कंपनी भी नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जो आपकी चीज हाथ में है वो बहुत सही है ये फिर आप देख रहे हैं जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप डिटेल है और इसके अलावा ऐसी कोई इसमें चीज ऐसी नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूं बाकी इसका अगर आप लास्ट पॉइंट मुझसे ले लेते हैं तो ये है कि जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट एंड हायर अ फॉरेन वर्कर गैर मुल्की वर्कर इन सस्कैचवांग इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है आपको मिलने वाला है अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हायरिंग फॉरन वर्कर फॉर परमानेंट जॉब्स यूजिंग अ रिक्रूटर और इमिग्रेशन कंसल्टेंट यानी कि ये तो आ, hiring a temporary or seasonal worker, तो तमाम हायरिंग अ टेंपर और वर्कर इस तरीके से आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं लेकिन इनको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं सारा काम मेहनत का है अब ये जो चीजें होती हैं दिस इज ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइम मांगती हैं बस और आपके पास मेरे पास सबसे कीमती चीज़ टाइम है ठीक है अगर अगर मैं आपको टाइम दूंगा या आप अपने आप को टाइम दोगे तो उस टाइम आप फॉर एग्जाम्पल आप, आप आप अपने लिए बैठते हो इस सिस्टम के ऊपर तो आप टाइम दोगे और जब टाइम दोगे तो उस टाइम आप कुछ और काम नहीं कर रहे होंगे जब आप अगर वो काम करोगे तो यू यू कैन अर्न मनी तो अगर हम यहां पर हमारी टीम टाइम देगी फॉर असेसमेंट तो वो कोर्स अपना टाइम यहाँ देगी तो वो काम नहीं कर रही होगी वो उन डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं कर रही हो जहाँ वो पैसा बना सकते हैं या वो अर्न कर सकते हैं तो जब इस काम करेगी तो डेफिनेटली फॉर असेसमेंट दे विल चार्ज ठीक है ना इतना डिफिकल्ट अपना जाएंगे अपने अंदर आपके अंदर आपके आपके सीरी को पूरा घुमाएंगे तो डेफिनेटली दे विल चार्ज और वो तमाम चीज़ें जो हैं सिस्टम का हिस्सा हैं मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी टीम से कि वो जो आ, बुक इन अपॉइंटमेंट है वो हर जगह दिखाया करें आपको दिखाया करें कि आप इस लिंक से और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे बल्कि अब मैं कहूंगा कि अब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो जो फर्स्ट कमेंट है फर्स्ट कमेंट है वहां पर सलाम के बाद जो है बुक एंड अपॉइंटमेंट का लिंक दे दें ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें आपको लाइव सेशन बुक करना है काउंसलिंग बुक करनी है आपको असेसमेंट करवानी है आप वहाँ पर जाके अपने लिए सारा इंतजाम कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से स्केच है वो भी ट्वेंटी परसेंट बात करता है इमिग्रेशन के ऊपर एट्टी परसेंट सिखा रहा होता है ये ट्रेनिंग भी कर रहा होता है इसी तरीके से हम भी यही कर रहे होते हैं कि हम भी तमाम चीज़ें गुजार कर आपको एजुकेट भी कर रहे होते हैं एट द तो सेम टाइम इसीलिए हमारी वीडियो लंबी हो जाती है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए नगंवार भी होती है लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं तीन तीन घंटे के होते हैं तो यहाँ पर हम जो है कोशिश करते हैं कि दस पंद्रह मिनट में हमारी बात खत्म हो जाए जो कि हमारे लिए एक डिफिकल्ट काम है अगली वीडियो में मिलते हैं इन शाफिज